हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन में दोस्तों फ़ोटोज़ को हाइड करोगे। दोस्तों अपने डिवाइस में फ़ोटोज़ को हाइड करना चाहते हो दोस्तों आप फोटो कैसे हाइड कर सकते हो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है फ़ोटोज़ को हाइड करने के लिए, दोस्तों आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो अगर आप दोस्तों बिना प्राइवेसी पासवर्ड के फ़ोटो को हाइड करना चाहते हो तो आप बिना प्राइवेसी पासवर्ड को यूज़ करें फ़ोटो को हाइड कर सकते हो अपने डिवाइस में। तो दोस्तों मैं आपको वही बताने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों आपके फ़ोन में जो एक गूगल फाइल ऐप है दोस्तों जिसको आप डेली अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हो आप इसी से इसको हाइड भी कर सकते हो। दोस्तों कैसे कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों शायद आप पहले से यूज़ भी कर रहे होगे, आप में से काफ़ी लोग यूज़ करोगे अपने सेव फोल्डर सेटिंग को, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम पहले सेव फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको पिन या पैटर्न किसी एक पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पिन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक 4 डिजिट का पिन यहाँ पे सेट करना है और आपको अपना पासवर्ड याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड 1234 रख रहा हूँ। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट कोटेड कर लेंगे। अब दोस्तों आपको बैक होना है, ठीक है। आपने सेव फोल्डर बना लिया, फोटोज़ पे क्लिक करोगे, जो भी आपकी फ़ोटोज है उसको सेलेक्ट करोगे दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में। उसके बाद दोस्तों 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कंफर्म पिन आएगा यहाँ पर आपका, जो भी आपका पिन पासवर्ड है यहाँ पर आप इंटर करोगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोन से दोस्तों ये वाली 6 फोटोज ऊपर से हाइड हो जाएंगी। व्यू पे क्लिक करोगे, पासवर्ड को इंटर करोगे, दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपने फ़ोन में हाइड फोटोज़ को इसकी। दोस्तों इस तरीके से अगर आप भी गूगल फाइल को यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों आप उसमें सेव फोल्डर को बना के आप फोटोज़ को हाइड कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों किसी को अनहाइड करना है आपको फ़ोटो को, आप उसको ऐसे सेलेक्ट करो, अगर डिलीट करो दोस्तों परमानेंटली डिलीट हो जाएगी आपके फ़ोन से दोस्तों ये वाली फाइल। दोस्तों डिलीट पर मत क्लिक करना वरना दोस्तों आपकी जो फाइल है फोटोज़ है वीडियोज़ है वो डिलीट हो जाएंगी। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक और मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो अनहाइड। दोस्तों 2 फोटो हाइड है, इनको मैं अनहाइड नहीं करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ। दोस्तों जब भी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्लियर डाटा करते हो अपनी गूगल फाइल का, क्लियर कैच करा आपने कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर डाटा करने से पहले ओके पे क्लिक करोगे आप दोस्तों आप देख सकते हो मैंने तो क्लियर डाटा कर दिया, आप मत करना, पहले आप सुन लो पूरी बात। फाइल पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे दोस्तों सेव फोल्डर डिलीट है और जो उसके अंदर फोटो या वीडियो थी जो आपका डाटा था वो डिलीट है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये रिसाइकल बिन में भी नहीं आएगा, यहाँ पे वो डाटा आपका वो डिलीट है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपने फ़ोन में हाइड ऐप सेटिंग हो फोटो हाइड सेटिंग को यूज़ कर सकते हो, फोटो हाइड सेटिंग को यूज़ करो गूगल फाइल से, तो प्लीज़ जब भी क्लियर डाटा करोगे पहले फोटो वीडियो को हटाना, उसके बाद करना, फिर वापस से हाइड कर लेना। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।